हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन वर्ल्ड। और आज की जो मॉर्निंग है वो मॉर्निंग ही नहीं, स्टार्टिंग है सुबह के 5:30 बजे की। दृश्य आप लोग देखिए, और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे पांडिचेरी से। पहले हम लोगों को ना कोई और स्टेशन उतरना पड़ा था, पता नहीं उसका नाम भी अजीब सा था। तो यहाँ पे हम लोग उतर गए थे और लड्डू का बनी यहाँ पे ही गिर गया। कब गिरा हमें पता नहीं चला, बट लड्डू बोला भी नहीं कि मम्मा, या फिर जो भी हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन वीडियो में हमने देखा कि उसका बनी गिर गया और वो पीछे मुड़ मुड़ के बनी को देख रहा है। तो यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे आगे जाने का, और बस ट्रेन से हम लोग यहाँ तक आ गए थे। अब यहाँ से हम लोगों को लेनी थी बस या फिर कैब या ऑटो, जो भी मिलता। और काफ़ी लेट हो गया था, यानी कि 10-11 बज गए थे हम लोग को आते आते। और लड्डू यहाँ भी मुड़ मुड़ के देख रहा है बनी को। मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्यों देख रहा है। बाद में जब मैं बोली कि इसका बनी कहाँ है, क्योंकि मुझे ध्यान था कि हमने बैग में मतलब रख दिया होगा, क्योंकि सब सामान पैक करते हैं तो बैग में रख लेते हैं ना। तो आज लड्डू ने ज़्यादा परेशान नहीं किया रात में, वो सो गया था तब हम लोग सोए। तो ट्रेन चल रही थी तभी वो सो गया था, बहुत ज़्यादा थक भी गया था और थका भी दिया था। तो थोड़ी देर में फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या हालात रहते हैं हम लोग के। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग बैठ गए हैं पांडिचेरी की बस में और धूप काफ़ी लग रही है। तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं पे, और पांडिचेरी को मिनी फ्रांस भी बोला जाता है। तो हम लोग भैया भाभी के साथ जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम, और मेरा सेकंड टाइम है। भैया भाभी लोग आगे बैठ गए हैं कंडक्टर, वो ड्राइवर के आगे, ड्राइवर के पास, और हम लोग इधर पीछे बैठे हैं। तो करते हैं लड्डू इंजॉय कर रहे हैं वेदर को, लेकिन हम लोग की हालत हो रही है ख़राब। अब तो गाइस, अब हम लोग पहुँच गए हैं पांडिचेरी। यहाँ लड्डू के पापा लड्डू को गोद में ले लेके थक रहे हैं। तो मैं ले जा रही हूँ सामान, आगे भैया ले जा रहा है, और हम लोग निकल पड़े हैं। देखते हैं होटल का क्या सीन बनता। मैंने इसका डायपर निकाल दिया है, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि आप इसका बाल क्यों हटवा देते हो। तो इसलिए हटवा देते हैं क्योंकि हमने भगवान जी से बोल रखा था कि ऐसे हम लोग हटवाने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं पांडिचेरी, और यहाँ पे फैन भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, और थोड़ा सा फाइनली अब हम लोग को बेटर लग रहा है। बाहर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे हैं, ये लोग देख रहे हैं टिकट फ्लाइट का कब का क्या करना है। एक तो हो चुका है, और यहाँ मैं हूँ, अभी मैं जाऊँगी नहाने, और फिर लड्डू भी नहा लेगा। तो अभी हम लोग नहाएंगे। सुसु बाहर चलो वॉशरूम में। सो गाइस, अभी हम लोग सनस्क्रीन वगैरह लगा करके अब रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए। और आज मैंने डाला एक नॉर्मल ग्रीन टॉप, और देखते हैं क्या होगा। बाहर धूप वूप भी ज़्यादा है, शायद लिफ्ट ना चल रहा है ना, तो अभी लिफ्ट नहीं चल रहा है। तो होटल में हम लोग रुके थे नहा वहाँ करके, अब हम लोग निकलेंगे बाहर। तो फिलहाल उसका जूता का लेस निकल गया है, मिल गया इनको शांत करने के लिए जेम्स। और ये भी ज़्यादा ही खुश होके खा रहे हैं ऐसे नाच नाच के, हैप्पी हैप्पी जेम्स टाइप बोल रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सौंफ है अंदर, पता है इसको क्या बोलते हैं, हम लोग कुछ बोलते थे खाने के टाइम, पहले मिलता था हम लोग के तरफ भी। नो, आप लोग बताना आप लोग इसको क्या बोलते हो, अंदर तो सौंफ होता है। सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड टू पैराडाइज बोट हाउस के वहाँ, एंड देखते हैं अभी क्या होता है। सबका मेकअप जा रहा है, अच्छा हुआ मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगा के आई थी, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस वंस। तो थोड़ी देर बाद टिकट लेके तब मिलते हैं। सो फाइनली गाइस, मैंने यहाँ पे टिकट ले लिया है, और ये लोग यहाँ पे अभी मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे चश्मा ले रहे हैं, यानी कि शेड्स ले रहे हैं, और वहाँ पे वो लोग डाब पी रहे हैं एनर्जी।
एनर्जी बोल रहे चश्मा पसंद करवा दो, सो लेट्स सी कौन सा चश्मा पसंद आएगा। एंड सब चालू होगा, सो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं बोटिंग की टिकट्स लेने के लिए। और ये शेड्स लिया है लड्डू के पापा ने, तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। वैसे ये वाला दो लिया है, ये नहीं लगाएंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा था। 80 में दो है, एक घपला तो ना मर दिए है कहीं ना भाई, हम घपला ये लेकिन आपको फेस बड़ा है तो आप पे अच्छा लगेगा। ये अच्छा लग रहा है मेरे पे लड्डू। अच्छा ठीक है, पता लगा बताएंगे। ठीक है सो गाइस, आप लोग बताइए कमेंट में किसका कसम अच्छा लग रहा है, किसका कसम पड़ता है। थोड़ी देर बाद मिलते, अभी बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग। गाइस गौर से देखिए इन सब लोगों को, उसके बाद से देखिए इनको, तो ये गए हैं वहाँ कस्टम खेलने के लिए फ्री फायर। मुझे भी दिखा दो। और ये लड्डू के साथ मस्ती कर रहे हैं, बाबू का ध्यान रख रहे हैं। और हालत हम लोग की ख़राब हो गई है एकदम, इतना धूप और वहाँ से एक आ रही है छोटी सी बच्ची हमारी, चलते चलते आ रही है। अच्छा सॉरी, मेरी बड़ी सी भाभी आ रही हैं, एक कन्याकुमारी। किस पे भारी है उनको पता नहीं, पता है कि नहीं हम लोग, हाँ उनको पता है, तो ये ऐसे चल के आ रही है। थक गई है बिच्छू, तो बैग का लिए लेके आई है, जैकेट रखे हैं, बोले इसमें रख दीजिए जैकेट। अभी हम लोग को जाना है, यहाँ पे मिनी बीच है और इसके बाद से हम लोग को जाना है बड़े बीच की तरफ, तो देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे टिकट ले लिया है, यहाँ इनका कस्टम चला हुआ है, यहाँ इनका ग्रीन चला हुआ है। सो गाइस पानी ऐसा है अभी, लेकिन आगे जाकर के बहुत क्लियर हो जाएगा। ये मंडपम ऐसे बैठा हुआ है, नाव बांधते हैं इससे, और अब हम लोग स्टेपिंग करेंगे। कितना छोटा सारा बच्चा है, छिट्टू सी बच्ची, हम इधर ही बैठ जाते हैं। ओके थैंक यू जी, थैंक यू मैम। लड्डू जी बीच देख करके उठेंगे, पता नहीं कैसा आ रहा है, बट अब फिलहाल हम लोग इधर बैठ गए हैं। हम भी बैठ गए हैं, हाँ ये बैठ गए हैं, लड्डू को भी बैठा लिया है, ये बैठ गए हैं और ये सो गया है। तो कैसे आप लोग बताइए हमारा कपड़ा उपड़ा कैसा लग रहा है। यहाँ से नाव को खोली जा रही है और नाव हिल रहा है, और हम लोग लड्डू के गाइस, ये है बोट हाउस, इसमें आप लोग रुक सकते हैं। मैं भी रुकी थी, इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 5,000 पर डे आया था मुझे जब मैं रुकी थी। और ये स्टीमर आ रहे हैं, जा रहे हैं और हम लोग भी हिल रहे हैं, तो थोड़ा सा चल रहा है। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं पैराडाइज बीच, एंड मेरी टोपी उड़ गई है दोबारा से, और बैक कैमरा नहीं है फ्रंट कैमरा। तो हम लोग जा रहे हैं पैराडाइज बीच, वहाँ कुछ एंजॉय करेंगे, लाइक सी कितना कुछ कैप्चर हो पाता है। फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए अपने पैराडाइज आइलैंड, और ये सारा पानियों की ओर से ही घिरा हुआ एक लैंड है मात्र, तो यहाँ पे हम लोग उतरेंगे अभी एंजॉय करेंगे। जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, रातें सब चरागों वाली, सारे दिन भी ईद थे।
चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिकर, जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे, तेरी जुदाइयों में बरसे वो नैना भी, सागर मिलके जिनको रुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूल गाइस ये यहाँ पे शंख ढूंढ रहे हैं, सीशेल, इसके अंदर मोती होगा, होना तो चाहिए। और लड्डू पूरा खेलने में मस्त है, उसके मामा मम्मी पता नहीं उधर किधर बना रहे हैं अपना रील्स वीडियो। पैराडाइज बीच हम लोग घूम लिए हैं एंड ये काइंड ऑफ आइलैंड था, आइलैंड था, तो अब हम लोग जा रहे हैं kind of नहीं जा रहे हैं, नहीं प्रॉपर आइलैंड नहीं है ना, लेकिन थोड़ा बहुत तो आइलैंड जैसा ही है, और अभी हम लोग शायद होटल जाएंगे कि सेरेनेटी, इनके ब्लॉग में चेक कर लीजिएगा कौन झूठ बोल रहा है ये या मैं, तो अभी हम लोग जाएंगे होटल शायद या फिर, हाँ तो ये बताएंगे ये कौन सा नदी है, चले गए नदी का गुमनाम हो गया नदी। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे उस नाव में, लड्डू जी नहा चुके हैं रिंगडंस में, आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है और चैनल को देखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।